Next question. Question says a particle moves along a circle of radius 20 by pi meter with constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of second revolution after motion has begun, सवाल है हमें बताना है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी। हमारे ऑप्शन है 40 मीटर पर सेकेंड, 640 पाई, 40 पाई या फिर 160 पाई। तो सिनेरियो ये है कि ये आपका सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है और इस टाइम पे लेट से पार्टिकल आपका यहाँ से स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें ज़ीरो दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो का मतलब है आपका ओमेगा नॉट भी ज़ीरो हो जाएगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पे दो चक्कर काट लिए, उसने दो रेवोल्यूशन पूरे कर लिए, उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें बताना है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा और अपने को रेडियस दिया हुआ है। नाउ इस केस में क्योंकि अपने को रेडियस दिया हुआ है तो ये बात ओमेगा नॉट आपकी ज़ीरो है। ओमेगा को दो चक्कर काटने के बाद ओमेगा जो हो गई उसको हम लिखते हैं v डिवाइडेड बाय r। सो इसको हम लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाय r अपने को दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाय पाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 80 पाई डिवाइडेड बाय 20, यानी कि ओमेगा जो है उसकी वैल्यू हो गई, इसको डिवाइड जब कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू होगी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। यह आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई। नाउ ये आपका फाइनल ओमेगा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर दें इनिशियल और फाइनल के बीच में, सो हम यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ऑलराइट, सो एक चीज़ और कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपने दो सर्कल कंप्लीट किए हैं तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक चक्कर पूरा, एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई। सो ओमेगा जो है अपना ये 4 पाई आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी आपकी 4 पाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट ज़ीरो है प्लस ट्वाइस अल्फा नोन है अभी, थीटा की वैल्यू हो गई 4 पाई विच इम्प्लाइज आपका 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई विल बी इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई। सो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका अल्फा हो गया। ना अगर अल्फा आ गया तो 80 भी आ जाएगा। 80 जो होएगा उसको हम लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू आर अल्फा। आर की वैल्यू अपने को दे रखी है 20 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा आया आपका 2 पाई, यानी कि ये जो 80 है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पाई विल गेट कैंसल, दैट विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल 80 की वैल्यू आ जाएगी। हैंस वी कैन से ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया।